दरिया लै गया, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3D टू लेयर स्टेटस आप कैसे बना सकते हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो एक भाई ने रिक्वेस्ट की थी कि इस तरह का स्टेटस कैसे बनाया जाता है, तो इसके मुतल्लिक ट्यूटोरियल दिया जाए। तो आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल बताऊँगा कि आप इस तरह का स्टेटस कैसे बना सकते हैं। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। जी तो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3D टू लेयर स्टेटस आप कैसे बना सकते हैं, जो कि आपने सिंपल स्क्रीन में देखा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर दफा हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले टेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अलाइट मोशन को ओपन कर लेना है। तो अगर आपके पास अलाइट मोशन नहीं है तो इसका लिंक ऑल मटेरियल के साथ दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने प्लस पर टैप करना है, 9.64 सेट करके आपने क्रिएट अ प्रोजेक्ट पर टैप कर लेना है। तो इतना करने के बाद आपने क्या करना है, प्लस पे टैप करना है, इमेज एंड वीडियो में आके तो जिस सॉन्ग पे आप बनाना चाहते हैं आपने वो सॉन्ग ऐड कर लेना है। कोई सा भी जो सॉन्ग आप जिस सॉन्ग पे आप बनाना चाहते हैं तो आपने वो सॉन्ग ऐड कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जौन सा हिसाब रखना चाहते हैं तो आपने चेक कर लेना है, उसके मुताबिक आपने वो रख के और बाकी का हिस्सा आपने डिलीट कर लेना है। तो मैं ये इधर से जो रख लेता हूँ, यहाँ से इसको रख लेते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके आपने ट्रिम सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको स्टार्टिंग पॉइंट पे ले आना है। और उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके और इसका स्केल आपने थोड़ा सा बढ़ा देना है ऐसे, और रोटेशन में आके हल्का सा आपने इसको रोटेट कर लेना है, आपने 2-3 जितना आप चाहें तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। उसके बाद आपने इसको उठा के ऐसे इधर ले आना है। तो आप मज़ीद इसको बड़ा करना चाहते हैं तो आपने स्केल में आके इसको और बड़ा कर लेना है, आपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। इतना करने के बाद अभी आपने क्या करना है कि जहाँ तक आप रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जो है मैं आपको इधर 12 सेकंड तक कर लेता हूँ। उसके बाद आपने आगे वाले सा ट्रिम कर लेना है, इतना हमारा काम कंप्लीट होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, प्लस पे टैप करना है, इमेज एंड वीडियो में आके, और ये हमारे पास एक PNG है तो आपने इसको ऐड कर लेना है। तो इस स्टेटस के लिए हमें जो मटेरियल चाहिए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपने स्केल मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लेना है, बड़ा करके तो आपने उठा के इसको ऐसे इधर लगा लेना है। इतना काम हमारा कम्प्लीट हो गया। तो आपने क्या करना है कि चेक कर लेना, अगर आप इसको जो है रोटेशन देना चाहें, रोटेट करना चाहें तो आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसको ऐसे इधर एडजस्ट कर लेना है। इतना करने के बाद आपने अपने स्टेटस के एंड तक आके इसको स्टेटस के एंड तक आ लेना है। उसके बाद आपने इस सॉन्ग का कोई सा भी जो हिस्सा आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, जो सा आप लगाना चाहते हैं पिक्स, आप अपनी मर्जी से कोई सा भी जो है वो स्क्रीनशॉट लेके उसके बाद आपने क्या करना है उसको ऐड कर लेना है। तो आपने इमेज एंड वीडियो में आके और ऐसे इसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने स्केल में आके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके इसको आपने बड़ा कर लेना है। तो आपने इसको ऐसे बड़ा कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। तो आपने PNG को थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, आपने इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने स्टेटस के एंड तक ले जाना है। और अभी आपने क्या करना है कि अभी आपने जो आपने स्क्रीन शॉट लिया था तो अभी आपने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। तो वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपने अपने किसी ब्राउज़र में जाके, आपके पास जौन सा आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं, क्रोम करते हैं, गूगल करते हैं, जौन सा भी आप करते हैं, उसमें आपने जाके remove.bg सर्च कर लेना है। उसके बाद आपने अपलोड इमेज पे टैप कर लेना है और जो अभी आपने स्क्रीनशॉट लिया था आपने वो ऐड कर लेना है। तो इसको ऐड करने के बाद ये आपका चंद सेकंड लेगा और आपका जो है बैकग्राउंड ये आप देख सकते हैं, आपका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। उसके बाद आपने डाउनलोड पर टैप करना है और आपका ये जो इमेज है आपकी डाउनलोड हो जाएगी। तो वापस अभी चलते हैं अलाइट मोशन में। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने प्लस पे टैप करना है, इमेज एंड वीडियो में आके जो अभी आपने बैकग्राउंड रिमूव किया तो आपने इसको ऐड कर लेना है। इसको ऐड करने से पहले आपने इसकी जो है वो मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके स्केल में आके स्केल चेक कर लेना है, हमारा 811 है। उसके बाद आपने इसको भी जो है वो मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके स्केल में आके आपने इसको भी 811 कर लेना है। ऐसे इतना करने के बाद आपने मूव एंड ट्रांसफॉर्म में पोजिशन में आके आपने क्या करना है, इसको आपने ऐसे अच्छे से जो आपके पीछे पिक्स आप देख सकते हैं आपने इसके ऊपर ऐसे एडजस्ट कर लेना है।
उतना करने के बाद आपको जो है वो ये रेड लाइन आपकी सर्कल जब बिल्कुल सेंटर में हो जाएगा तो आपकी रेड लाइन जो आप देख सकते हैं ये आपकी हो जाएगी, समझो आपका जो इक्वल हो चुका है। उसके बाद आपने इसको बढ़ाकर स्टेटस कैनेडा का कर लेना है। उतना करने के बाद आपने क्या करना है, जो आपके ये वाली आपने पहले जो पिक्स ऐड की थी आपने इसको उठा के अपनी लेयर के नीचे कर लेना है। उसके बाद आपने PNG को भी जो है वो थोड़ा सा अगर मज़ीद नीचे करना चाहते हैं तो आपने इसको भी मज़ीद नीचे कर लेना है कुछ इस तरह से। तो उसके बाद आपने इसको और मज़ीद एडजस्टमेंट कर लेनी है। उसके बाद आपने जो सॉन्ग ऐड किया था आपने इसकी मज़ीद एडजस्टमेंट कर लेनी है। आपने इसको स्केल में आके थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, तो इसको ऐसे आपने अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। इतना हमारा काम कम्प्लीट होगा, आप देख सकते हैं आपके पास कुछ इस तरह से शो होगा। तो अभी आपने इस सॉन्ग की YouTube पे जाके लिरिक्स सर्च कर लेने हैं। इस सॉन्ग का नाम है किस्मत। आप जौन सा सॉन्ग लगा रहे हैं आपने उसका टाइटल लेके, जौन सा उसका टाइटल होगा तो आपने टाइटल लेके ब्लैक स्क्रीन लिरिक्स आपने सर्च कर लेना है, तो आपको बहुत सारे लिरिक्स मिल जाएंगे। और मैं इस जिस सॉन्ग को बना रहा हूँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी में आके, तो अगर आपके पास ब्लैक लिरिक्स हैं ब्लैक स्क्रीन में हैं तो आपने लाइटन में आके इसको स्क्रीन कर लेना है। तो अभी मेरे पास चूँकि जो है वाइट में है तो मैं डार्क में आके और ये मल्टीप्लाई कर लूँगा। इसको आपने क्या करना है, ओके कर लेना। ओके करने के बाद मूवमेंट अस्वरम में आके आपने इसको उठा के तो ऐसे कर लेना। इतना करने के बाद आपने इस पोजीशन भी रोटेशन आपने इसकी हल्की से ऐसे रोटेट कर लेना है, और स्केल में आके आपने इसको अपने हिसाब से बड़ा कर लेना जितना आप रखना चाहते हैं। तो इतना हमारा काम कम्प्लीट होगा। उसके बाद आपने इसको उठा के और आपने ऐसे कर लेना है ताकि आपके जो ऊपर आपने PNG लगे उसके पीछे आपके जो है लिरिक्स हों। उसके बाद आपने अपने स्टेटस के अंदर तक आ जाना है जितना आप रखना चाहते हैं, और आगे वाले से आपने जो है वो ट्रिम कर लेना है। तो ये सर ट्रिम कर लेते हैं। इतना करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से शो होगा। अभी मैं आपको प्ले करके चेक करा देता हूँ। उसके बाद अगर आप अपना कोई लोगो लगाना चाहते हैं तो आपने वो क्या करना है, प्लस में आके इमेज एंड वीडियो में आके आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद मूवमेंट असर में आके स्केल में आके आप अपने हिसाब से जहाँ पर आप लगाना चाहते हैं आपने उधर आके, ऐसे मैं इसको उधर रख लेता हूँ, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद आपने इसको बढ़ा के अपने स्टेटस के एंड तक कर लेना है। तो इतना हमारा काम कंप्लीट हो गया। अभी मैं आपको प्ले करके चेक करा देता हूँ, हमारा स्टेटस रेडी हो चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। आपने वीडियो में आगे इसके जो आपने फ्रेम रेट फुल कर लेना है, क्वालिटी आपने हाई करके और 720p या 1080p जो आपको मल्टीपोर्टेड आपने इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा स्टेटस एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गया। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना भूलिए। अगर चैनल पर दफाएँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।